इंडिया की फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से एक काफी अच्छी खबर सामने आ रही है कि जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन हुआ है इंडिया का फाइनेंशियल ईयर 22-23 के अंदर, उसके अंदर 17% तक का इजाफा देखने को मिला है। आपको बता दें, ये डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन आखिर होता क्या है। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन इकट्ठा होता है 5 मेजर सोर्सेज से, इनकम टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, प्रिक्विजिट टैक्स और कॉरपोरेट टैक्स। इन सारे टैक्स से मिलने वाली रकम को डायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। और इस डायरेक्ट टैक्स के अंदर जो इस साल का कलेक्शन हुआ है वो 16.61 लाख करोड़ रुपए का हुआ है। बताइए, ये जा रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 22 जो 21-22 था उसके अंदर जो टोटल कलेक्शन हुआ था वो 14.20 लाख करोड़ हुआ था, लेकिन इस साल 2.41 लाख करोड़ का जंप देखने को मिला है और टोटल कलेक्शन है वो 16.61 लाख करोड़ का हो चुका है। इसमें कॉरपोरेट टैक्स कलेक्शन की बात करें तो वो तकरीबन 10 लाख करोड़ का हुआ है और जो पर्सनल टैक्स है वो 9.6 लाख करोड़ का हुआ है। ये टोटल ग्रॉस कलेक्शन है और इसमें से कुछ पैसा गवर्नमेंट है जो वापस पब्लिक को दे देती है और जो पीछे पैसा बचता है उसे नेट कलेक्शन कहा जाता है। और जो नेट कलेक्शन है वही हुआ है 16.61 लाख करोड़ रुपए का। इसमें एक खबर ये भी है कि माना जा रहा था कि जो इस साल का बजट अनाउंस हुआ था उसके अंदर अनुमान था कि 14.5 लाख करोड़ का टैक्स कलेक्शन हो जाएगा डायरेक्ट टैक्स, लेकिन इसके अंदर जो जंप देखने को मिला है वो काफी अच्छी खबर है और अनुमान ये है कि आने वाले टाइम के अंदर इससे भी बड़ा जंप देखने को मिलेगा और भी सेक्टर्स के अंदर।